नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश मिश्रा अपने चैनल देसी नुस्खे पे आपका स्वागत करता हूँ। देसी नुस्खे एक ऐसा चैनल है जहाँ हम आपको हेल्थ रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं जो बहुत आसानी से आपके घर में संभव हो सके और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। आसानी से बाजार से अपने नज़दीकी मार्केट से आप उन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं, तो इसलिए हमारे नुस्खे जो है कारगर भी हैं और सरल भी हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं नींद ना आने की समस्या के बारे में, इंसोमनिया। इंसोमनिया एक ऐसी समस्या है जो कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से हम सभी की लाइफ में एक बार हम एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। अब इंसोमनिया क्यों आया ये समझिए। इंसोमनिया आने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ आपका रोज का लाइफस्टाइल है। समय से खाना ना खाना, देर तक बिना खाना खाए काम करते रहना, या शोर शराबे में चलना, बिना मतलब का गुस्सा करना, या ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी आदत है ना, ये अनवांटेड स्ट्रेस कॉज करती जाती है। अब ये जो अनवांटेड स्ट्रेस है, ये आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन, जो खुश रहने वाला हार्मोन है आपके शरीर का, उस हार्मोन के सिक्रेशन को धीरे 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 प्रभावित करते हुए कमजोर कर देता है। अब ये जब हार्मोन कमजोर हो गया तो ना आपको शारीरिक आराम मिला ना आपको मानसिक आराम मिला। तो जब आराम नहीं मिला तो नींद की जो आने की प्राकृतिक आपकी प्रक्रिया थी वो कमजोर हो गई, तो नेचुरल स्लीप आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। फिर क्या होगा, आपको कभी दोपहर में नींद आ रही है, कभी शाम को नींद आ रही है, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं। इससे शरीर को आपके धीरे 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 डिटोरेशन, एक तरीके से आपके शरीर में देखेंगे कि ऊर्जा का क्षय होता जाएगा। आप ना उतने एनर्जेटिक रह पाएंगे, ना उतने कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कॉमन है, हम सभी की लाइफ में आ रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, अगर हम पैदल चलते हैं या थोड़ा योगा करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। लेकिन किसी कारणवश अगर हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, या कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो ये चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनको अच्छा फायदा नहीं मिल रहा, तो उनके लिए मैं एक ऐसा नुस्खा बताना चाहूँगा जिसके उपयोग से निश्चित उनको फायदा होगा और ये बहुत ही सरल उपयोग है, कोई भी आसानी से अपने घर में कर सकता है। इसके लिए एक मेडिसिन है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अश्वगंधा का पाउडर लीजिए, साथ में ये मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर और अश्वगंधा का पाउडर दोनों बराबर मात्रा में करीब 2-2 ग्राम मिला लीजिए। 2-2 ग्राम मिलाने के बाद इसमें करीब 5 ग्राम या 8 ग्राम, जितना आप मीठा पसंद करते हो, उतनी देसी मिश्री मिला लीजिए। देसी मिश्री जो है आपको कहीं भी आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगी। देसी मिश्री, अश्वगंधा का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, तीनों को 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम मुलेठी का पाउडर और करीब 8 से 10 ग्राम आप मिश्री का पाउडर, ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिश्री अगर आपको खड़ी है तो उसको आप कूट के पाउडर बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। अब ये तीनों पाउडर्स को मिला के आपने खा लिया, ऊपर से ल्यूकवॉर्म मिल्क, हल्का गर्म गुनगुना दूध जो है वो पी लीजिए। कई बार क्या होता है कि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, हम आसानी से खा नहीं पाते, तो इसको दूध में घोल के भी आराम से पी सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों की जिनको दूध किसी कारणवश या तो पचता नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगता, जो पीना नहीं चाहते, ऐसे लोग इस नुस्खे का उपयोग दूध की बजाय हल्के गुनगुने पानी से कर सकते हैं। मेरा विश्वास मानिए, अगर ये नुस्खा 25 से 30 दिन या 40 दिन तक आप करते हैं तो निश्चित जो आपकी प्राकृतिक नींद है वो फिर से बेहतर हो जाएगी। आपके शरीर में आपके सारे हॉर्मोन्स बेहतर हो जाएंगे, आपका जो रेस्ट का मैकेनिज्म है, जो आपकी फिजियोलॉजिकल रेस्ट है, वो बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस नुस्खे का आप जरूर लाभ उठाएंगे। आगे हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी और नुस्खे के साथ। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एक और जरूरी बात, अगर आपको कोई समस्या है या किसी व्यक्तिगत पर्पज से आप कोई वीडियो चाहते हैं या कोई समस्या आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं, कोई बीमारी के बारे में कोई जानकारी या उसका इलाज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट पे जरूर पूछ सकते हैं। हम निश्चित आपको रिप्लाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर जानकारी के साथ एक नई वीडियो लेके आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।